दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी को आपको एक प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाले हैं। जो प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में सिम कार्ड को सपोर्ट ना करना। आप सभी के जियो का सिम जो है वो आप सभी के फ़ोन में लिख रहा है इमरजेंसी कॉल ओनली। आपके फ़ोन में जियो का सिम है और वो सिम कार्ड में नेटवर्क नहीं दे रहा है, तो इसका सलूशन मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिए, आपके कोई भी कंपनी का फ़ोन हो ये मायने नहीं रखता है, आपको बस हमारा ट्रिक को फॉलो करना है। हर किसी के फ़ोन में ये ट्रिक काम करने वाला है। तो अगर आपको नेटवर्क इशू हो रहा है फ़ोन में, तो आप एक क्लिक में आप नेटवर्क इशू को सॉल्व कर सकते हो। अगर इस प्रॉब्लम को अगर आप समाधान चाहते हो और आप चाहते हो कि दुकान में जाकर के हम इसे बनवा लें, तो दुकान में आप सभी को झूठ मूठ का 200 से 300 रुपए चार्ज कर देता है और वो ज़्यादा कुछ नहीं करता। झूठ मूठ आपके सामने फ़ोन को वो खोल देगा और खोलने के बाद बोल देगा कि ये चीज़ हम उसमें बदले हैं और ये चीज़ बदले हैं, उससे आपको 300 रुपया देना पड़ेगा और आप दे भी देते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, मोबाइल का दुकान वाला जो है वो आपको उल्लू बनाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो सब ठीक करते हैं। तो देखिए, किसी भी तरह के आज से दोस्तों अगर आपके फ़ोन में या आपके दोस्त के फ़ोन में या किसी के फ़ोन में नेटवर्क इशू हो जाता है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप उस नेटवर्क इशू को एक क्लिक में आप ठीक कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। सो अभी तक आपने दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए आए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे बेसिक सेटिंग्स है दोस्तों कि अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं दे रहा है और बार बार लिख रहा है इमरजेंसी कॉल ओनली, तो इमरजेंसी कॉल ओनली अगर लिख रहा है तो इसके लिए सबसे पहला सोल्यूशन है कि आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर दीजिए। रीस्टार्ट करने के बाद देखिए क्या है, ये तो बेसिक्स ही है दोस्तों, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको। आपको फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। सो रीस्टार्ट करने से यही होता है कि आपके फ़ोन में सारे जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलते रहते हैं वो सभी के सभी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाता है और उसके बाद जो है वो नेटवर्क अपने आप कनेक्ट हो जाता है अपने फ़ोन में। तो ये बेसिक सी सेटिंग्स है। तो अभी चलिए मैं इसको ऑन होने देता हूँ फ़ोन को, जब फ़ोन हमारा रीस्टार्ट होता है उसके बाद हम अगला टिप्स को जानते हैं। तो फिलहाल ये फ़ोन जो है वो अब चालू हो गया है। अब आप देखिए यहाँ पे अभी नो सर्विस आ रहा है, अब देखिए इमरजेंसी कॉल ओनली आ रहा है। तो एक में तो मेरा नेटवर्क दे रहा है लेकिन एक सिम कार्ड में नेटवर्क अभी भी नहीं दे रहा है, यानी जियो का सिम मेरा फिर भी सपोर्ट नहीं लिया। सो देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अब दूसरी टिप्स आपको क्या करना है। सो दूसरी टिप्स करना है कि आपको अपने फ़ोन के एक फ्लाइट मोड जो ऑप्शन होती है उसे आपको 2 से 3 बार बंद करके चालू करना होता है। ये एरोप्लेन मोड देख रहे हो, इसे आपको 1-2-3 बार, जैसे कि अभी एक बार मैंने देख लिया, फिर उसके बाद चालू करके देखता हूँ अब। सो यहाँ पे अगर आ जाता है नेटवर्क तो ठीक है, नहीं तो हम अपने अगले टिप्स की ओर बढ़ेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल कोई भी सिम में नहीं आया नेटवर्क, अभी देखते हैं थोड़ी सी। ये कुछ बेसिक सी सेटिंग्स है दोस्तों। अभी देखिए अभी भी जियो का सिम में मेरा नेटवर्क नहीं आया है। तो अब देखिए हमारे तीसरी जो है वो टिप्स क्या है। उसके लिए आपको फ़ोन के सेटिंग्स में आना पड़ेगा दोस्तों, और फ़ोन के सेटिंग्स में जब आ जाएंगे तो आपको सिम कार्ड के ऊपर क्लिक करना है, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके जिस किसी भी सिम में नेटवर्क इशू हो रहा है उस सिम को आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा तो जियो में हो रहा है तो मैं जियो को सिलेक्ट करूँगा, तो जियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रेफर नेटवर्क टाइप दिखेगा, यहाँ पर देखिए प्रेफर नेटवर्क टाइप, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा 2G ओनली या फिर 3G ओनली, तो आपको प्रेफर LTE के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो है दोस्तों जियो का सिम में करना ज़रूरी है क्योंकि आपका जियो का सिम जो है वो 4G है। अब देखिए ये टिप्स हमारे फ़ोन में काम कर गया, यहाँ पे हमारा जियो का नेटवर्क भी चला आया है, देख सकते हो 4G वहाँ पर लिखा आ रहा है। अगर आपके फ़ोन में ये अभी तक भी नहीं आया है तो हमारा चौथे स्टेप को आप ज़रूर फॉलो करना। चौथे स्टेप हर किसी के फ़ोन में नेटवर्क इशू का प्रॉब्लम जो है वो ठीक कर देता है। अगर उससे भी नहीं होता है तो आपके फ़ोन के अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, उसको आपको बनवाने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि चौथा स्टेप पहले आपको फॉलो कर लेना है, उसके बाद अगर नेटवर्क नहीं देता है तभी जाइएगा। और चौथा क्या है उससे मैं आपको बता देता हूँ, आपको सेटिंग्स में आना है दोस्तों। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है नेटवर्क, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है नेटवर्क, यहाँ पे देखिए नेटवर्क सेटिंग रीसेट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सो अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे एक रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यह रीसेट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो आपके फ़ोन में पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक जो भी लॉक है उसे आप लॉक को अनलॉक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर पूछा जाएगा कि रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, यू कांट अनडू दिस एक्शन, तो आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। आप डरिए मत, इससे जो है वो आपके फ़ोन का डाटा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आपका सारा फ़ोन का डाटा सेफ रहेगा, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा,
यह सिर्फ फ़ोन का सेटिंग्स को चेंज कर देता है, जो पहले से सेटिंग्स रहता है नए नए फ़ोन में उसी तरह से सेटिंग्स को ये फिर से कर देता है। सो रीसेट होने के बाद आपका जो फ़ोन में नेटवर्क नहीं देता था वो अब देने लगेगा। ये चार टिप्स आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आपके फ़ोन में चार टिप्स में से कोई भी टिप्स फॉलो किया है उस टिप्स को आप हमें कमेंट करके बताएं, कौन सा फ़ोन है आपका वो भी कमेंट करके बताएं। सो दोस्तों आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यार अभी तक आपने हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को लिए ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आता हूँ। आप सभी का फ़ोन में किसी भी तरह का फ़ोन का प्रॉब्लम हो मैं सभी का सॉल्यूशन आपको कॉल के ऊपर देता हूँ, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे चैनल के होम पेज पर दिया गया है, वहाँ से आप हमारा नंबर ले लीजिए, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।